और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू हीरो पैशन XPro का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के रोजाना ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जब भी किसी 110 सीसी की बेस्ट कंप्यूटर सेगमेंट बाइक का नाम आता है, जिसमें आपको एक अच्छा सा माइलेज मिल सके और जो इंजन की रिलायबिलिटी हो वो भी काफ़ी अच्छी हो और उसमें आपको एक स्पोर्टी लुक मिल सके, तो हीरो पैशन XPro का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि उसका जो लुक है वो और दूसरे 110 सीसी की बाइक से काफ़ी बेहतर और सुंदर है। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि IBS ब्रेकिंग सिस्टम अभी तक हीरो पैशन XPro में नहीं आया है। वो अभी सिर्फ हीरो पैशन प्रो, हीरो HF डीलक्स और हीरो की स्प्लेंडर में आया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मार्च या अप्रैल के बीच में हीरो कंपनी अपनी पैशन XPro में IBS सिस्टम को लॉन्च कर देगा, लेकिन अभी आपको इसमें IBS नहीं मिलता है। सिंपल आपको एक ड्यूअल ड्रम वाला वेरियंट मिलता है और दूसरा डिस्क विथ रेयर ड्रम वाला वेरियंट मिलता है। और दोस्तों, कंपनी ने इसमें 3 से 4 नए बदलाव भी किए हैं। पहला, इसमें आपको न्यू कलर और न्यू एज ग्राफिक्स मिलता है। न्यू कलर में आपको एक शाइनी और ग्लॉसी सा पेंट जॉब मिलता है, जो सनलाइट में आपकी बाइक को एक सुंदर लुक देने में हेल्प कराता है। और ग्राफिक्स आपको इसकी कंप्लीट बॉडी पर मिलता है, जिससे जो बाइक का लुक है वो काफ़ी स्टाइलिश हो जाता है। दूसरा बदलाव, इसके टैंक के प्लास्टिक फाइबर एक्सटेंशन पर किया गया है। ओल्ड मॉडल में आपको इसके टैंक पर पैशन की ब्रांडिंग मिलती थी और एक्सटेंशन आपको सिंपल शेप में मिलता था, लेकिन अब आपको एक शार्प एज कर्व्ड डिज़ाइन में इसका एक्सटेंशन मिलता है और इसी एक्सटेंशन पर आपको पैशन XPro की ब्रांडिंग मिलती है। और जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यहां लिखा भी हुआ है पैशन XPro। तीसरा बदलाव, जो कि एक सबसे बड़ा बदलाव है, ओल्ड मॉडल में आपको बल्ब टेल लाइट मिलती थी, लेकिन न्यू मॉडल में आपको LED टेल लाइट मिलती है एक बेहतरीन यूनिक डिज़ाइन शेप में। और दोस्तों, ऐसी बहुत ही कम बाइक होगी 110 सीसी की जिसमें आपको LED टेल लाइट मिलती है, और इस LED टेल लाइट की हेल्प से बाइक का लुक और भी अट्रैक्टिव बन गया है। फ्रंट लुक्स के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको एक छोटा सा ब्लैक कलर का विंडशील्ड मिल जाता है एयर को पास करने के लिए और एक कम्फर्टेबल राइड करने के लिए, और इसी विंडशील्ड पर आपको हीरो का ब्रांडिंग मिलता है। और बाकी इसमें आपको कन्वेंशनल हेडलैम्प मिलता है विथ हेलोजन बल्ब, और इंडिकेटर्स भी आपको इसमें कन्वेंशनल मिलते हैं। और दोस्तों, इसके कॉर्नर्स पर आपको पायलट लैंप्स मिलते हैं, जो नाइट में आपकी बाइक को एक बेहतरीन और शानदार लुक देने में हेल्प कराते हैं। रियर लुक्स के बारे में बात किया जाए तो रियर में आपको LED टेल लाइट मिलती है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन शेप में आपको इसकी LED टेल लाइट देखने को मिलती है, जिसके कारण जो इसकी टेल लाइट की विजिबिलिटी वो काफ़ी बढ़ जाती है। और दोस्तों, इंडिकेटर्स आपको इसमें अभी तक फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं, इसमें आपको नॉर्मल इंडिकेटर्स मिलते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम तक आपको इसमें फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिल जाए, लेकिन अभी तो आपको इसमें फिक्स्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं, और इंडिकेटर्स आपको इसमें बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 109.15 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक OHC कार्बोरेटर विथ i3s टेक्नोलॉजी का इंजन मिलता है, जिसमें आपको 9.5 PS एट 7500 RPM की पावर और 9 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM का टॉर्क मिलता है। और दोस्तों, इसमें किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों का ही आपको ऑप्शन मिल जाता है, और इसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो आपको 4 मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें एनालॉग मीटर में आपको टोटल स्पीड बता दिया जाता है और डिजिटल मीटर में आपका टोटल किलोमीटर, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर और ट्रिप मीटर बता दिया जाता है। और बाकी सारे इसमें आपको न्यूट्रल सिंबल, लेफ्ट राइट इंडिकेटर सिंबल और i3s इंडिकेटर सिंबल भी आपको इसमें मिलता है, और पास सिंबल भी आपको इसमें मिलता है। स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए, स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो मटेरियल इसमें यूज़ किया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और जो बाइक की हैंडलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। राइट तरफ के हैंडल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको सेल्फ और किक दोनों का ही ऑप्शन मिलता है, और i3s इंडिकेटर्स की जो बटन्स आपको इसमें मिलती हैं, जो स्विचेस आपको इसमें मिलते हैं ऑन और ऑफ के, वो भी आपको इसमें मिलते हैं। फ्रंट टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, और इसमें आपको 2.75 इंचेस का टायर साइज मिलता है विथ 18 इंचेस व्हील साइज, और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है विथ 130 mm ड्रम ब्रेक्स। रियर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रियर में आपको स्विंग आर्म विथ 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, और इसमें आपको 3 इंचेस का टायर साइज मिलता है विथ 18 इंचेस व्हील साइज, और इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, और इसमें आपको जो ड्रम ब्रेक का साइज मिलता है वो आपको 130 mm का मिलता है।
सीट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल और लंबी सीट मिलती है, जिससे अगर आप दो या तीन लोग बैठ के भी राइड कर रहे हो तो जो राइडर है वो बहुत ही कंफर्टेबल राइड कर पाएगा, क्योंकि ये जो सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।